ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 2022 का आगाज एक बहुत ही अलग अंदाज में हो रहा है, क्योंकि नई टीमें अपने प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित कर रही है और पुरानी टीमें यानी कि जो सबसे सफल फ्रेंचाइजी है उनमें मुंबई इंडियंस बहुत ही खराब प्रदर्शन के साथ में अंक तालिका पर 10वें पायदान पर है। मुंबई इंडियंस की शुरुआत वैसी नहीं रही जैसा उनकी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक खराब प्रदर्शन के बाद सवाल तो अब ये भी उठने लगा है कि क्या मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी या नहीं। इसके लिए मुंबई इंडियंस के पास बचा है एकमात्र आखिरी रास्ता। जी हां, मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाना है, यानी कि रोहित शर्मा के सामने होंगे पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल और उनकी चुनौती। जी हां, अगर ये मुकाबला पंजाब किंग्स के सामने मुंबई इंडियंस हार जाती है या जीत जाती है, इसके बावजूद भी टीम के पास एकमात्र आखिरी उपाय बचेगा जो उन्हें प्लेऑफ तक क्वालिफाई करा पाएगा। अब यहां से अगर प्लेऑफ में जाना है तो क्या कहते हैं मुंबई इंडियंस के लिए समीकरण और कैसे बाकी टीमों ने मुंबई इंडियंस की मुश्किलें बढ़ाई हुई है, आइए जानते हैं आखिर प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई इंडियंस का समीकरण क्या कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस मुकाबले के बाद क्या बोल रहे हैं समीकरण। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है मुंबई इंडियंस की बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी, आईपीएल 2022 का 23वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है। पंजाब किंग्स ने सीजन में 4 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 2 मैचों में इस टीम को जीत हासिल हुई है तो 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। पिछले मुकाबले में पंजाब को गुजरात के हाथों करारी मात झेलनी पड़ी, वहीं मुंबई इंडियंस लगातार 4 मुकाबले हार कर पॉइंट टेबल में 10वें पायदान पर है। सवाल ये उठता है कि मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स के खिलाफ भले ही हार जाए या पर भले ही जीत जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास एकमात्र आखिरी रास्ता यही बचेगा, समीकरण यही बनेंगे। आइए उस समीकरण को समझते हैं। इस बार पॉइंट टेबल के अंदर टीमों को ग्रुपों में बांट दिया गया है, यानी कि 5-5 टीमों के लिहाज से। अब सवाल ये उठता है कि क्या पॉइंट टेबल अलग अलग बनेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 टीमों की एक ही पॉइंट टेबल रहने वाली है जहां पर टॉप 4 टीमें प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी। लेकिन टॉप 4 में जगह बनाने के लिए कितनी विनिंग परसेंटेज चाहिए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, सवाल सबसे बड़ा तो यही है। अगर आप बात करते हैं एक टीम के द्वारा लीग स्टेज में खेले गए मुकाबलों की, तो अभी तक एक टीम को लीग स्टेज के अंदर टोटल 14 मुकाबले खेलने होंगे। और अगर ऐसा है तो फिर किसी भी टीम को 50% मुकाबले से एक मुकाबला ज्यादा जीतना होता है, यानी कि अगर मुंबई इंडियंस अपने लीग स्टेज में 14 मुकाबले खेलती है तो उसे हर हाल में 8 मुकाबले जीतने होंगे। अब मुंबई इंडियंस 4 में से 4 हार चुकी है और 5वां मुकाबला भले ही रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन मुंबई इंडियंस के पास फिर भी अगर 5 मुकाबले खेल लेती है तो फिर चांस ये बनता है कि अब से बचे हुए 10 मुकाबलों में से उसे 8 मुकाबले हर हाल में जीतने होते हैं। अब ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस 10 में से 8 मुकाबले लगातार जीत पाती है तो कहीं ना कहीं वो प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता है तो मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएंगी। इस मैच के बावजूद भी कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस पर खतरे की घंटी मंडरा रही है। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।